भगवान श्री राम के शासन काल में घटी एक घटना के बारे में जानेंगे, जिसमें एक कुत्ता भगवान श्री राम से न्याय मांगने पहुंचा था। नमस्कार दोस्तों, भक्ति मन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानें इस रोचक कथा को। दोस्तों, आप सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इनके शासन काल में प्रजा बहुत सुखी थी। इनके दरबार में प्रतिदिन लोग न्याय पाने के लिए पहुंचते थे तथा सभी के साथ भगवान श्री राम उचित न्याय करते थे। इन्हीं के शासन काल की बात है। शाम के समय था, सभी लोग न्याय पाकर दरबार से जा चुके थे। उसी समय भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ और जाकर देखो कि बाहर कोई न्याय पाने के लिए बैठा तो नहीं है। इस पर लक्ष्मण बाहर गए तो उन्होंने एक घायल कुत्ता बैठा हुआ दिखाई पड़ा। लक्ष्मण ने राम से कहा कि बाहर एक घायल कुत्ता बैठा हुआ है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। इस पर लक्ष्मण ने उस कुत्ते को दरबार में चलने के लिए कहा। कुत्ता दरबार में उपस्थित हुआ। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी और सिर से खून बह रहा था। इस पर भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से कहा कि बोलो क्या बात है। कुत्ता बोला कि महाराज, मैं रास्ते में किनारे चुपचाप बैठा हुआ था। एक ब्राह्मण आया और उसने लाठी से मेरे सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे मेरा सिर फट गया। भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैंने इस कुत्ते को मारा क्योंकि उस समय मैं बहुत भूखा था और रास्ते में ही मुझे यह कुत्ता दिख गया और मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने इसे मार दिया। अब आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मंजूर होगा। भगवान राम ने दोनों पक्षों की बात सुनी। चूंकि यह जानवर का मामला था, इसलिए भगवान श्री राम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए। भगवान श्री राम ने सभा में उपस्थित लोगों से पूछा कि आप लोग बताइए कि इस ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए। सभा में इस पर वह कुत्ता बोला कि महाराज, इसे कालिंजर मठ का महंत बना दीजिए। कुत्ते के कहे अनुसार भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को कालिंजर मठ का महंत बना दिया। इस पर सभा में उपस्थित लोगों ने भगवान श्री राम से पूछा कि उस ब्राह्मण को सजा मिलनी चाहिए था, लेकिन आपने उसे सजा देने के बजाय कालिंजर मठ का महंत बना दिया, भला इससे उसे क्या सजा मिली। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि इसका जवाब भी कुत्ता ही देगा। इस पर वह कुत्ता बोला कि पिछले जन्म में मैं भी कालिंजर मठ का महंत था। कुछ दिनों तक मैंने धन का उपयोग लोगों के भलाई के लिए किया तथा दूसरे के बुरे समय में मदद भी किया, लेकिन कुछ समय के पश्चात मेरे अंदर लालच क्रोध आ गया तथा अहंकार भी आ गया, जिससे मैं दान पुण्य करना छोड़ दिया और दूसरों की मदद भी करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में कुत्ता बनना पड़ा। इस ब्राह्मण को भी अंदर अहंकार और क्रोध भरा हुआ है, इसलिए यह भी धन दौलत का उपयोग दूसरों के मदद करने या दान पुण्य करने के लिए नहीं लगाएगा। इस तरह से यह भी मरने के पश्चात मेरे तरह कुत्ते का जन्म पाएगा। इस तरह से मुझे न्याय मिल जाएगा। ये थी भगवान श्री राम और कुत्ते की रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।